बात तब की है जब सिनेमा हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं हुआ करता था, या यूं कहें कि सिनेमा हुआ ही नहीं करता था। नाटकों और एकांकियों की कोई बहुत बड़ी परंपरा भी उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। तब लोगों के एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा होती थी कहानियाँ, कहानी सुनाने वाला ऐसा कि वो लोगों को बांध सके। और कहानियाँ न जाने कैसी कैसी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, दूर देशों की कहानी, दूसरे ग्रहों की कहानी, राक्षसों की कहानी, जादूगरों की कहानी, भेष बदलने वाले बहरूपियों की कहानी, डकैतों की कहानी, समुद्री यात्राओं की कहानी, पूर्व में गए हुए लोगों की कहानी, प्यार की कहानी, मिलने की कहानी, बिछड़ने की कहानी, न जाने कितनी कहानियाँ हमारे चारों तरफ बिखरी हुई रहती थी। सिनेमा इन्हीं सारी कहानियों को समेट के धीरे धीरे हमारे सामने लाता चला गया। आज ऐसी ही एक प्यारी सी कहानी की बात करते हैं। दो पति पत्नी जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद एक भयानक आर्थिक संकट से जूझते हुए नजर आते हैं। होता यह है कि उनमें से एक को अपना देश छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। पत्नी पहुंचती है नोमान, जहां पे उसका अपहरण हो जाता है। पत्नी के लापता होने के बाद हमारा हीरो कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी पहुँच जाता है इंडिया से नोमान। बात हो रही है फिल्म खुदा हाफिज़ की। अब नोमान क्या है? नोमान कुछ भी नहीं, केवल एक काल्पनिक देश है। हीरो विद्युत जामवाल की मुलाकात होती है एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार टैक्सी ड्राइवर से, जिसकी भूमिका निभा रहे हैं अनु कपूर। हीरो इंडियन काउंसलेट से मदद मांगता है जो कि नहीं मिल पाती। लोकल पुलिस भी लाचार है, वो खुद ही अपनी पत्नी की खोज शुरू करता है। उसका सामना होता है बहुत सारी मुसीबतों से, जिनको वो झेलता है, हारता भी है और लोगों को हराता भी है। पर फिल्म में उसकी पत्नी की लाश अचानक उसके सामने आ जाती है। यहीं से फिल्म एक अलग टर्निंग पॉइंट लेती है। फिल्म में विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबराय, अनु कपूर के अलावा शिव पंडित और अहाना कुमरा भी हैं। फिल्म को मिडिल ईस्ट की कहानी पर आधारित रखा गया है, शूट किया गया है तजाकिस्तान में। बात करते हैं फिल्म में प्लस के बारे में। तो फिल्म में प्लस है विद्युत का एक्शन। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्म के एक्शन सीन फिल्माए गए हैं। खास तौर पे मिडिल ईस्ट में एक कॉरिडोर में फिल्माया गया वो सीन जिसमें कैमरा ऊपर की तरफ है और विद्युत कम से कम 2 दर्जन आदमियों की पिटाई करते हुए नज़र आते हैं। बैकग्राउंड में चलता है बहुत ही स्वीट म्यूज़िक जो लड़ाई के सीक्वेंस को और ख़ास बना देता है। आमतौर पर ऐसे सीन्स में आपको बहुत तेज़ धमाकेदार म्यूजिक सुनने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट और प्यारा सा म्यूजिक सुनने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन सीन ना होके एक खास तरीके की कोरियोग्राफी हो गई है। फिल्म को रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है, जिससे फिल्म की ब्यूटी और ज़्यादा निखर के आती है। फिल्म आपको आपके इमोशंस को टच करती हुई निकल जाती है। विद्युत इस बार अपने कमांडो अवतार में नहीं है, वो एक आम आदमी की तरीके से अपना किरदार पेश करते हुए नजर आते हैं। कहने का मतलब है कि फिल्म बागी 3 जैसे स्टंट्स नहीं दिखाती हैं जो कि शायद एक आम आदमी ना कर पाए, पर एक अलग तरीके के फाइटिंग सीन्स, एक्शन सीन्स आपके सामने आते हैं जो वास्तविकता के नज़र आते हुए दिखाई देते हैं। बात करते हैं फिल्म में माइनस की। तो माइनस है फिल्म की कहानी। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था, कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जो सुनने वाले को बांध के रख सके। कहानी में वजन की कमी है, कहानी जल्दबाजी में लिखी गई है, रिपीटेड है। 1997 में आई फिल्म पृथ्वी, जिसमें सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी दोनों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, उसकी कहानी भी लगभग ऐसी ही थी और बदकिस्मती से वो फिल्म भी ज़्यादा अच्छी साबित नहीं हुई थी। तो कहानी की राइटिंग पे और ज़्यादा काम करना चाहिए। कहानी का प्लॉट अच्छा लिया गया था कि 2008 के आर्थिक तंगी के दौरान बहुत सारे लोगों को ये मुसीबतें फेस करनी पड़ती थी। फिल्म में और क्या माइनस है? फिल्म में माइनस है लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी। जो कैरेक्टर्स नोमान से लिए गए हैं या जो नोमान के होने का दावा करते हैं, वो अरेबिक को अपने ऊपर उस तरीके से नहीं ला पाए जैसे बाकी भाषाएं लेके आते। मसलन शिव पंडित के द्वारा अरेबिक जो उन्होंने बोली है, वो उन्हें अरब का ना दिखा के कैरिकेचर सा बताने लगती है। डायलॉग्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल अनु कपूर ने किया है। बात करते हैं अहाना की, तो अहाना ने अपना किरदार काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया है। अनु कपूर का काम फिल्म में बिल्कुल ठीक ठाक है, जैसा उससे उम्मीद की गई थी उसी तरीके से उन्होंने काम किया था। शिव पंडित अपनी पुरानी फिल्मों की तरह यहाँ पे थोड़े चूकते हुए नज़र आते हैं। वो एक गंभीर और एक निगेटिव किरदार कैरी करते हैं जो शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाता या ऑडियंस को टच नहीं कर पाता है। फिल्म की कहानी
जो बागी थ्री इस तरीके की बाकी कहानियाँ बन चुकी हैं उसके आसपास की नज़र आती है, मिडिल ईस्ट का बैकग्राउंड है। बेबी भी कुछ इसी तरीके की कहानी पे आधारित है, जहाँ पे इंडिया से कोई जाता है वहाँ से या तो कोई ऑपरेशन है या किसी को रेस्क्यू करके लाता है। फिल्म IMDb पे अच्छी रेटिंग मिली हुई है, फिल्म को 9.5 की रेटिंग है। क्रिटिक्स रेटिंग फिल्म की उतनी अच्छी नहीं है, फिल्म को 1.5 से 2.5 तक की रेटिंग मिली है। फिल्म को लेके मेरा नज़रिया है कि फिल्म की कहानी पे अगर ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाता, विद्युत जैसे एक्शन स्टार को और बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जाता, तो शायद फिल्म नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती। तो मेरी तरफ से फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी मुझे इससे उम्मीद थी। हमारे अगले रिव्यू तक थैंक यू।